हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई पॉलिटिकल लीडर गुजरा तो अब्दुल वाहिद ओवैसी गुजरा, दूसरा कोई नहीं है लीडर। आजाद हिंदुस्तान की तारीख में अगर जिसने आवाम के दिलों पर हुकूमत की जो सबसे बड़ा लीडर गुजरा वो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है। मुसलमान इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो चुका कि मुसलमानों की अपनी खुद की जमात होनी चाहिए। जब हमने 50 बरस पहले कहा कि हमारी जमात होनी चाहिए, हमारी आवाज होनी चाहिए, हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए, हमारे मसाइल के लिए लड़ने के लिए हमारे ही मुंतखब करदा लोग होने चाहिए, तो लोगों ने दीवानों की आवाज कहा। लेकिन आज इस हकीकत को तस्लीम करने पे मजबूर हो चुके हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबियों को देखते हुए कि हां हमारी भी आवाज होनी चाहिए। कई रहनुमा आएंगे जाएंगे, कई कायदीन आएंगे जाएंगे, लेकिन सालार मिल्लत जैसा शायद सदियों में एक मर्तबा पैदा होता है। नक्श वो करता गया है दिल पे अपना असर, नक्श वो करता गया है दिल पे अपना असर, जो न मिट पाए ऐसी दास्तां बनता गया। कि हमने मसायब और मुश्किलात का सामना किया मगर हमने कभी बातिल से समझौता नहीं किया। मसायब उठाए, मुश्किलात उठाए, लड़ा हमने। दारुस्सलाम का 11 साल तक मुकदमा लड़ा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने। आज तुम जो देख रहे हो मुसलमानों, ये बिल्डिंग, ये इमारतें, ये अब्दुल वाहिद ओवैसी और सालार मिल्लत की अल्लाह से मोहब्बत की निशानियां हैं। उसके दम से आशिया बनता गया, लोग साथ आते गए कारवा बनता गया, कारवा बनता गया, कारवा बनता गया, कारवा बनता गया, कारवा बनता गया। वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। जो बरहना सर थे उन पर साहिबा बनता गया, जो बरहना सर अब्दुल वाहिद ओवैसी जिसने बातिल से समझौता नहीं किया, 11 महीने जेल में रखा गया अब्दुल वाहिद ओवैसी को एक 6 फीट बाई 6 फीट के कमरे में, मगर इस शख्स ने बातिल से समझौता नहीं किया। कारवा बनता गया, कारवा बनता गया।